हेलो। तो आज अपन जावा स्क्रिप्ट चालू करते हैं। और ये ब्राउज़र बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेबसाइट्स में यूज़ होती है, और जावा स्क्रिप्ट के तो काफ़ी फ्रेमवर्क्स भी हैं। फ्रेमवर्क्स का मतलब कि जो काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं, ऐसी लैंग्वेजेज हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। जावा से इसका ज़्यादा रिलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत है। और सबसे खास बात कि इसको रन करने के लिए सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपको नॉर्मल ब्राउजर में रन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते, काफी इम्पोर्टेंट चीज है ये। तो अपन थोड़ा ऐसा करते हैं कि इसको इनिशियल स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली अभी कैसे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और एक सैम्पल चीज लिख के हम चेक करते हैं। तो अपन ने एक एडिटर खोल लिया। अगर आपको सबलाइम बढ़िया लगता है तो सबलाइम खोल लें आप। सबलाइम सबसे ईजी है। अपन एक नया बना लेते हैं यहाँ पे, इसको सेव कर देता हूँ मैं। कहीं पे भी सेव कर लेते हैं, अपन डेटा में सेव कर लेते हैं। बेसिकली HTML के साथ अपन यूज इसको करेंगे। अभी बाद में बताऊंगा कि अदर अलग से आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बना के आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने index.html लिख दिया। आप PHP भी लिख सकते हो। बेसिकली मैं HTML कोड्स के साथ यूज करते हैं। तो नॉर्मल अपन ने HTML लिख लिया, इधर आ गया। ऑटोमेटिक टाइटल दे देते हैं, माई वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। कंट्रोल इस दबाव सेव कर लिया अपन ने। इसको एक बार रन करवा लेते हैं अपन। डेटा ट्यूटोरियल्स, यही है, सीधा क्लिक कर देंगे इस फाइल को, रन हो जाएगा ये। अपन इसको साइड बाय साइड ले लेते हैं एक सेकेंड, ताकि अपन इसको करते रहें, कोड करते रहें और चेक करते रहें। तो इसको थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल है। अपन जब भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो सबसे पहले एक, जैसे अगर HTML से फेमिलियर है आप, तो स्क्रिप्ट टैग आता है। स्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया अपन ने, स्क्रिप्ट से क्लोज किया, और इसके अंदर अपन लिखेंगे कोई भी जावास्क्रिप्ट का की चीज, ठीक है। तो अपन इसमें फिलहाल लिखते, जैसे कुछ भी जावास्क्रिप्ट में अलर्ट वगैरह आता है, कोई भी वार्निंग देते समय अलर्ट, एक सेकेंड, ये इसको थोड़ा खिसका लेते हैं। तो अलर्ट दिखाता है वो। यहाँ पे अलर्ट के लिए सिंपल कोड है, ALERT अलर्ट, बस एकदम सिंपल। इसमें वेलकम वेलकम आ गया। टर्मिनेट कर दे, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कर देना चाहिए अपने को, ठीक है। इसको आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये आ गया अलर्ट यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट का यूज किस लिए करते हैं? यूज इसलिए करते हैं, बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के काम में आती है, इसलिए अपन इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपन जो लेक्चर होगा उसमें चेक देखेंगे आगे की चीजें। थैंक यू।